एक ऐसा जानवर है जिसके सर को अगर आप धड़ से अलग भी कर दोगे ना, तो बस अपने सर से पूरी बॉडी को दोबारा ग्रो कर सकता है। क्या आप जानते हो कि पहले के मुकाबले आज की दुनिया में ट्विंस कुछ ज्यादा ही पैदा हो रहे हैं? पर ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा कि नई कार कुछ अजीब सी स्मेल करती है, इसका रीजन क्या है? नॉर्मल तौर पे हम वॉकिंग करते हुए कुछ ज्यादा नहीं सोचते, बस पैर बढ़ाते हैं और चलने लगते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चलने के लिए कितने बोन्स और जॉइंट्स और मसल्स लगते हैं? तो आज जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट जिसे जानकर आप कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू बोलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, 80s के मुकाबले देखा जाए तो आजकल ट्विंस बच्चे कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगे हैं। और जर्नल ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नई स्टडी के हिसाब से हर 1000 डिलीवरी में 9 से 12 जोड़ी बच्चे ट्विंस निकल जाते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल 1.6 मिलियन बच्चे ट्विंस पैदा हो रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि आजकल के लोग ना मेडिकल रिप्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि लेट शादी और लेट बच्चे, हाँ माँ की एज ज़्यादा होने की वजह से भी ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 6, जब भी हम कोई नई कार लेते हैं, मतलब कोई और भी लेता है, तो उसके अंदर हमें एक टाइप की स्मेल आती है जो एक अजीब सी स्मेल होती है, लेकिन फिर भी हमें पसंद आती है, जो काइंड नेल पॉलिश की तरह होती है। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसी स्मेल उसमें क्यों आती है? वेल, ये एक कॉम्बिनेशन होता है 50+ केमिकल्स का, जो कार को फ्रेश, क्लीन और बैक्टीरिया फ्री रखता है, जिसको हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, सी स्लग, ये एक ऐसा जानवर है जो अपने सिर्फ कटे हुए सर की मदद से पूरी बॉडी को दोबारा ग्रो कर सकता है। सुनने में तो ये कोई हॉरर मूवी का सीन लगता है, लेकिन ये सच है। और इस स्लग का नाम है एलिसिया मार्गिनाटा। और इस पर जब स्टडीज हुई नारा वुमेन्स यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में, तो वहाँ के साइंटिस्ट पूरे दंग रह गए। मतलब कैसे एक जानवर अपनी पूरी बॉडी को ग्रो कर सकता है, वो भी हार्ट के साथ, बस अपने सर से? साइंटिस्ट ने देखा कि सर कटने के कुछ ही देर बाद वो चीज़ ऐसे शांत हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और बस 20 दिन के अंदर उसने अपना 1/3 ऑफ बॉडी दोबारा से ग्रो कर ली थी। भाई, इस अमेजिंग फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है यार, लाइक करके जाओ। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल कौन सा है? दुनिया के सबसे छोटे रेप्टाइल को सबसे पहले नॉर्दर्न मेडागास्कर में खोजा गया था, और वो था एक कैमोलॉन, जो कि सिर्फ 28.9 मिलीमीटर जितना था। और ये इतना ही रहता है, ये बड़ा ही नहीं होता, मतलब इतने ही साइज में बूढ़ा होकर मर भी जाता है। फैक्ट नंबर 3, रोजमर्रा की जिंदगी में हम थोड़ा बहुत तो चलते ही हैं, मतलब अभी व्हीकल्स वगैरह आ गए हैं तो चलना कम हो गया है, लेकिन हम चलते तो हैं ही। तो क्या आपने सोचा है कि चलने में कितने बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स यूज होते हैं? तो आइए जानते हैं। हमारे हर एक फीट में 26 बोन्स होते हैं, और उनको जोड़ने के लिए 33 जॉइंट्स होते हैं और 19 मसल्स होते हैं। मतलब एक पैर में इतना कुछ होता है, और दो पैर का हिसाब आप लगा के कमेंट्स में बताइए। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक पैर वर्क करता है चलने के लिए, जैसे आप लंबी लंबी छलांगे लगा सकते हो या फिर चल सकते हो। अगर इनमें से कोई भी एक बोन या फिर एक जॉइंट या फिर एक मसल काम ना करे तो आप सही से चल नहीं पाओगे। फैक्ट नंबर 2, अर्थ पर तो अर्थक्विक आते रहते हैं, ये तो पता है, मगर क्या आप जानते हो कि मून पर भी अर्थक्विक आते हैं? यानी उसको अर्थक्विक तो नहीं कह सकते, आप मून क्विक कह सकते हो। जी हाँ, मून पर भी मून क्विक आते हैं। US ज्योग्राफिकल सर्वे के हिसाब से साइंटिस्टों ने यह माना है कि दुनिया और मून के बीच के ट्राइडल स्ट्रेस के वजह से, यानी तनाव के वजह से, मून पर भी क्विक्स आते हैं। और ये क्विक्स ज़्यादातर इनसे नहीं होते, यानी जैसे हमारी अर्थ पे आते हैं, जैसे जापान और अभी फिलहाल में टर्की में आ रहे हैं, ऐसे नहीं होते, मतलब धीरे धीरे होते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये जो कसिनो होते हैं इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि लोग अंदर जाके भटक जाएं। लोग भटकने की वजह से नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, और उनका ज़्यादा फायदा होता है, और आदमी को टाइम सेंस ही नहीं रहता कि वो कितनी देर तक अंदर बैठा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।